गतिमान। आंकड़े के पत्ते की जो माला होती है, कार्य की सिद्धि के लिए होती है। इसमें एक एक आंकड़े के पत्ते पर सीताराम लिखा जाता है। मात्र एक पत्ता ऐसा होता है जिस पत्ते पर सीताराम नहीं लिखा जाता। 108 पत्ते में से एक पत्ता, बस उस पत्ते को हथेली में रखकर उल्टा हाथ आपको रखना है और अपनी कामना करकर उस पत्ते को बांध देना है। ये जरूरी नहीं है कि 25 के बाद बांधो, 50 के बाद बांधो या 100 के बाद बांधो, आपकी मर्जी पड़े उस खाली पत्ते को कहीं पर भी बांध दीजिए और उस माला को अपनी कामना करकर श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिए। महाराज, इसके लिए कोई तिथि, कोई दिन, कोई वार निश्चित नहीं है। बस ये माला जब हनुमान जी को चढ़ जाए तब एक घी का और एक तेल का दिया हनुमान जी के सम्मुख में लंबी बाती का लगा देना है। एक घी का एक तेल, और आपने कामना कर आप आ जाइए। आपकी वो कामना 2.5 महीना या 3 महीना, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। वो कामना बाबा पूरी करेगा, क्योंकि शिव और हनुमान ये सब एक ही स्वरूप। अब आप कहेंगे महाराज जी ये कौन से पुराण से लिया है, तो आप इसको लिंग पुराण के अंदर देख सकते हैं। आप गीता प्रेस गोरखपुर की लिंग पुराण लीजिए, उसके अंतर्गत आप इसका व्याख्यान वर्णन कर सकते। महाराज, एक एक क्रम हमारे शास्त्रों का हम उसको बस याद करें, हम इधर उधर डोले नहीं। हमारी पुराणों में इतनी इतने लेख लिखे गए हैं, उसको ही अगर हमने निकाल लिया तो हम जीवन में सुख पा सकते, हम दुखी नहीं हो सकते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, पूजनीय श्री पंडित प्रदीप जी के ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आज ही मेरे चैनल इंडियन एजुकेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।